मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आगे चलें, लो बीपी। लो बीपी की एलोपैथी में तो कोई दवा नहीं, देखो आप। आयुर्वेद में बहुत दवाएं हैं, भरपूर दवाएं हैं लो बीपी। सबसे अच्छी दवा है गुड़। ये जो गुड़ है ना, ये पानी में घोल के, नमक मिला के, नींबू का रस डाल के पियो। एक गिलास पानी, 15-20 ग्राम या 25 ग्राम तक गुड़ मिलाओ और उसमें डालो नमक और डालो नींबू का रस और पियो। दिन में 2-3 बार पी लो, लो बीपी सबसे जल्दी ठीक होगा इससे। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, बहुत बढ़िया दवा। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो रोज अनार का रस पियो, नमक डाल, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। अनार का रस, गन्ने का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। संतरे का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। अनन्नास का रस पी सकते हैं नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ लो बीपी की, मिश्री और मक्खन मिला के खाओ, ये लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है। मक्खन मिश्री, मक्खन वो जो घर में आप निकालते, बाजार वाला नहीं, दही बना के उसमें से मक्खन जो निकलता है वो मक्खन ताजा और मिश्री मिला के खाओ। श्री कृष्ण भगवान की डाइट है मक्खन मिश्री, रोज खाते थे और इसी की ताकत से कंस को मारा, जरासंध को मारा, इसी की ताकत से मारा। मतलब मैं आपको बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, मक्खन खाने से मत डरो। जब श्री कृष्ण खाते थे तो आप भी खाओ। आप कहेंगे जी डॉक्टर तो मना करता है। हाँ, डॉक्टर मना करता है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर को जो पढ़ाया गया है वो मक्खन के बारे में नहीं पढ़ाया। मक्खन तो सिर्फ भारत में होता है। डॉक्टरी की जो पढ़ाई है इसका सिलेबस तो आप जानते हैं यूरोपियन अमेरिकन, और वहां मक्खन कौन सा है? पाश्चराइज्ड, वो खतरनाक, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। लेकिन हम जो दही में वो चलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मथानी, रही, दही में मथानी चला के जो मक्खन निकलता है ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फैट है। इससे जल्दी कोई चीज नहीं हजम होती आप। और मक्खन के साथ अगर मिश्री मिक्स हो गई तो ये एक दूसरे के ऐसे जबरदस्त दोस्त हैं कि इनका कहना क्या। मेरा तो आप सभी को निवेदन है कि आपके घर के छोटे बच्चों को ये रोज खिलाओ मक्खन मिश्री, और थोड़ा सा काली मिर्च, काली मिर्च है, थोड़ी काली मिर्च डाल दो, मक्खन मिश्री मिक्स करके रोज नाश्ते में दे दो बच्चों को, तो जरूर देना। मिश्री जो है ना चीनी से नहीं बनती, वो खांड सारी से बनती है। चीनी बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, मिश्री बनाने का बिल्कुल अलग। और मिश्री जब आप खरीदना ना बाजार से, तो मैं बताता हूँ, वो एक गोल बॉल जैसी आती है जिसमें धागा लगा रहता है, वो खरीदना। आजकल मिश्री ऐसी भी आने लगी है जो चीनी जैसी क्यूबिक फॉर्म में, वो मत लेना, वो चीनी से ही बन रही है। जो असली मिश्री है वो बॉल की तरह से होती है, गोल गोल होती है, उसमें धागा लगा रहता है, वो खांड से बनती है। खांड जो है ना चीनी से बिल्कुल अलग चीज है। तो आप वो वाली मिश्री खाओ, मक्खन मिला, बहुत बढ़िया। और मिश्री ना मिले तो गुड़ तो है ही, गुड़ और मक्खन खाओ। लो बीपी में इतने अच्छे रिजल्ट हैं इसके जो किसी मेडिसिन के नहीं, मक्खन गुड़ या मक्खन मिश्री। और एक बढ़िया दवा बताता हूं लो बीपी की, दूध में घी मिला के पियो, एक गिलास दूध, एक चम्मच घी, और घी ये गाय वाला, ना मिले तो भैंस वाला भी चलेगा, लेकिन अच्छा गाय वाला, और गाय वही जो देशी।
एक चम्मच घी एक गिलास दूध रोज रात को पी के सो जाओ, लो बीपी बहुत अच्छे से ठीक होगा। और एक बढ़िया दवा है लो बीपी की, वो तो सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती है, नमक का पानी पियो। पानी में नमक डाल के पीते रहो। जो सबसे गरीब लोग हैं, जो ना मक्खन खा सकते हैं, ना मिश्री खरीद सकते हैं, ना गन्ने का रस, ना अनार का रस, तो उनको बता दो कि पानी और नमक इतना तो पी सकते हैं, और गुड़ डाल दें तो और भी अच्छा है। नहीं डालें तो नमक पानी पीते रहें दिन में 2-3 बार। मैंने देखा है भारत में, मेरा अनुभव है कि ज्यादा गरीब लोगों को लो बीपी की ही शिकायत है। क्यों? खाने पीने को अच्छे से नहीं मिल रहा है, भरपूर नहीं मिल रहा है। तो लोग जिनको खून कम होगा उनको बीपी कम होने ही वाला है, तो उनको इतना हम बता सकते हैं कि नमक घोल के पानी में पीते रहे, बहुत